हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि जैसा कि पेटीएम जो है वो लॉगिंग नहीं हो पाता है, इसको कैसे सॉल्व करें इसके बारे में हम बताएंगे। बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप पेटीएम को ऐप को ओपन करेंगे। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा लॉगआउट है और हम पासबुक पर जाते ही आप यहाँ पर लॉगिन के लिए प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू नीड टू सेलेक्ट सिम एसोसिएशन विद नंबर टू प्रोसीड। पेटीएम विल बी सेंडिंग एसएमएस टू वेरीफाई दैट द सिम इज़ प्रेजेंट इन योर सिम। अब जो है जो जिस नंबर से आपका पेटीएम बना हुआ है उस नंबर को चूज और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं वेरीफाइंग मोबाइल नंबर, वेरीफाइंग सक्सेसफुल्ली। आप देख सकते हैं हमारा जो है वो OTP के द्वारा नहीं खुला, वेरिफिकेशन के द्वारा लॉगिन हो गया। अगर इसके बावजूद किसी का लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो एक बार अपना ऐप जो है प्ले स्टोर में जा करके अनइंस्टॉल करेंगे, उसके बाद पेटीएम पर दोबारा लॉगिन करेंगे। इसी तरह अगर आपको फिर भी इस तरह से नहीं खुल रहा है तो आप एक काम करेंगे, लॉगिन करने से पहले आपका पेटीएम अकाउंट जो है वो पेटीएम ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के बाद या फिर मोबाइल नंबर के द्वारा OTP के बावजूद ना आने के बावजूद और सिम वेरिफिकेशन के ना होने के बावजूद भी अगर इसके बावजूद भी आपका पेटीएम अकाउंट अगर लॉगिंग नहीं हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं लॉगिंग से पहले यहां पर नीड हेल्प का ऑप्शन है। नीड हेल्प का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आई एनेबल टू लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है, मोबाइल नंबर डज नॉट मैच विथ सिम कार्ड, ये तो आप ये हो गया, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नो सिम फाउंड इन फोन, माय IP इज़ ब्लॉक, इस तरह से आप देख सकते हैं कई ऑप्शन है। इसमें से आपका जो भी आप देखते यहाँ पे आई डिड नॉट रिसीव OTP, आप जो है OTP अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर इज़ नॉट वर्किंग, या फिर आई हैव रीच माई OTP लिमिट, इस दो चीज़ में से आप इसे चूज़ कर लेंगे आई डिड नॉट रिसीव माई OTP या फिर OTP इज़ नॉट वर्किंग। इतने हैं ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप यहाँ देखें वाज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, तो आप इसे अनलाइक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे माई पेटीएम अकाउंट इज़ नॉट लॉगिन। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप जैसे फिर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। के लिए प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद उसके बाद आप अपना सिम चूज़ कर लेंगे जिस मोबाइल से आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, उस सिम को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे वेरीफाई